और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यहां पर बधाई दी है। दरअसल जेपी नड्डा को नई जिम्मेदारी मिलने पर यह बधाई दी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने बधाई दी है। तो जेपी नड्डा को नई जिम्मेदारी मिलने पर वसुंधरा राजे ने यहां पर बधाई दी। तो जेपी नड्डा को नई जिम्मेदारी मिलने पर यहां आपको बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने यहां पर जेपी नड्डा को बधाई दी है। नई जिम्मेदारी मिली है उसके बाद यहां पर उन्हें बधाई दी गई है और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को यहां पर बधाई दी गई है। और यहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मुलाकात की है जेपी नड्डा से। दरअसल उन्हें नई जिम्मेदारी मिली है और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें बधाई दी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुलाकात के बाद यहां पर जेपी नड्डा को बधाई दी है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे मुलाकात की है जेपी नड्डा से, उन्हें बधाई भी दी है, आगे क्या जानकारी? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज सुबह प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी की कुशल क्षेम पूछने के लिए पहुंची थी एम्स अस्पताल, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से मुलाकात की है। जयप्रकाश नड्डा से ये शिष्टाचार मुलाकात है और ये इसलिए भी मुलाकात है कि चूंकि उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी मिली है तो कर्सी के नाते तमाम जो प्रमुख जो टीम के लोग हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी है, इसलिए उनके पास मिलने के लिए पहुंची और संगठनात्मक मामलों पर भी सामान्य मंत्रणा हुई है जी। और जिस तरीके से यहाँ पर जेपी नड्डा को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा चूंकि राजस्थान भी आते रहे हैं, यहाँ का शुरुआत में प्रभारी भी इन्हें बनाया गया था। उस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो उस वक्त भी संगठनात्मक मामलों पर मंत्रणा हुआ करती थी और संगठन के बहुत अच्छे जानकारों में से एक माना जाता है। और उन्होंने यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए